कई लोग नहीं, इलाका ही ध्वस्त हो गया। अब कितनों रोकेगा, ये रुकने वाला नहीं है, तब तक ये पानी फुल हो जाएगा। अब फिर सुलिस गेट है ना, उधर से पानी आती नहीं है। सुलिस गेट का कोई महत्व नहीं, हमको सूचना नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया यहाँ के लोगों ने, तो गोपाल मंडल गोपालपुर का विधायक, हम तो बिहार का राजनीति करते हैं, भागलपुर जिला को हमें थामते हैं, हमको सूचना देती थी, ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता है। इसने बदनामी है हमारे NDA गठबंधन शैलेंद्र जी का, उन्होंने चदरा हटवा दिया, मिट्टी हटवा दिया, सब कुछ, लेकिन ध्यान नहीं दिया। आज दुबा उनकी बदनामी हो रही शैलेंद्र इंजीनियर का, ये बीहपुर के विधायक हैं, अब बीहपुर का ये कार्य क्षेत्र है पूरा, उनका सिकवा शिकायत है, उन कभी ध्यान दिए ही नहीं। और चूँकि लोगों के दिमाग में बैठ गया है ये बैकवर्ड इलाका है, वो भूमिहार फॉरवर्ड है, उन्होंने बर्बाद कर दिया बैकवर्ड को, ये लोगों का शिकायत है, हमारा शिकायत नहीं है। मतलब बैकवर्ड इलाका था ये भूमिहार विधायक उन्होंने ख़त्म कर दिया, और सांसद का कोई ठिकाने नहीं, वो कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं, जीता तो दिए हम लोग, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब पब्लिक 5 साल तक मरे कि जिए, कुछ हो जाए, सांसद को कोई मतलब ही नहीं, पानी में डूबे जाए, हाँ मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या लग रहा है सर? अब देखिए, अभी तो कार्यरत है, विभाग की लापरवाही है, विभाग को 11 बजे या कल शाम से ही कह रहा है इसको बंद कीजिए, इसमें चदरा दीजिए या प्लास्टिक देके तब बोरा डालिए। जब कुछ कुछ चल रहा था वो मोबाइल पर जेई था, कौन मोबाइल पर इंगेज था, सब कुछ था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब ये दशा हो गया। सरकार से क्या कहेंगे? अरे सरकार से कहेंगे, सरकार से मुआवजा दिलाएंगे, आपदा विभाग से संपर्क करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो तैयार ही है, जो क्षति होगा, ये तो क्षति तो जब डूबता है उसका तो तय किया हुआ है, जिसका फसल खत्म होगा तो उसको मुआवजा दिया जाएगा, अगर गांव डूब जाएगा गांव वाले को रिलीफ दिया जाएगा। मुख्य सड़क है ये, अगर ये टूट जाता कई क्षेत्र नौगछिया अनुमंडल तक पानी, हाँ भाई ये तो घूम के चला जाएगा, यही समझिए, अगर वो जमालदीपुर लाकर टूट गया तो फिर उधर घुस जाएगा, ये तो नाश्ते जाएगा इधर, हम लोगों के तरफ भी कलवरिया में जाएगा, कलवरिया से झूम के इधर आ जाएगा। जल संसाधन विभाग की लापरवाही है, जल संसाधन लापरवाही किसका दे सकते हैं, ये तो सबसे पहले मैं बोल दिया, शैलेंद्र इंजीनियर को ये चदरा हटवाना ही नहीं चाहिए, मिट्टी हटवाना हटवाए थे, तुरंत इसको बंद करता, इसे सुलिस गेट का कोई ज़रूरत नहीं है, उधर से पानी आती नहीं है, अब जो पानी गया फंसिए जाएगा, लोग फसल नहीं बॉक कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उनकी लाचारी कहिए, व्यवस्था कहिए, या क्या सुस्तपन के कारण ऐसा होगा। इधर कई केला के फसल है, सब्जी का फसल है, सब डूब जाएगा, सब डूब गया तो डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, केला के फसल में थोड़ा भी पानी जाएगा केला सूख जाएगा, सब्जी तो गल ही जाएगा, ये बड़ा महंगाई का मुकाबला करना पड़ेगा। आपके स्तर से क्या पहल किया जाएगा? हमारे स्तर बोले, हम आपदा विभाग से संपर्क करेंगे, और जिनका फसल नाश हो रहा है, जिसके गांव में पानी गया होगा, वो सब सबको रिलीफ दिलाएंगे, मुआवजा दिलाएंगे, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। इसके मरम्मती के लिए फिर मरम्मती नहीं, सिलेंडर कहीं भी जाए मैं ये पूरा रोड बनवा दूंगा जमालदीपुर तक, कोई सिलेंडर से मतलब नहीं। और हम बिहार का राजनीति करते हैं ना, पूरे जिला का राजनीति करते हैं, तो इस इलाके के लोगों को पता ही नहीं था गोपाल मंडल के निकट जाए, मेरे निकट आता तो होता ही नहीं।